हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, एसएससी ने कल शाम को एसएससी एमटीएस टीयर टू का रिजल्ट जारी कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि सभी कैंडिडेट्स ने अपना अपना चेक कर लिए होंगे और जिनका जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, एसएससी ने इस बार 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लिया। पिछली बार दो महीने 25 दिन के लगभग में लिए थे, लेकिन इस बार 3 महीने से ज़्यादा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स भी ज़्यादा थे। आप लोगों को जैसे पता होगा, लगभग 40-42 हज़ार कैंडिडेट्स का टीयर टू का कॉपी चेक होना था। तो इसके अनुसार अगर हम कंपैरिजन करें पिछली बार की तुलना में, तो वो थोड़ा पहले ही हो गया है, थोड़ा जल्दी ही हो गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग लगता है इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा टाइम लग गया, ऐसे कोई बात नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कट ऑफ से रिलेटेड, फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। ऐसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बता रखा है कि फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाली है और वैसे ही चल रहा है अभी। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, उसको लगभग 4,500 से ज़्यादा लोगों ने देखा है और बहुत बहुत प्यार मिला, क्योंकि वो जो भी मैं बताया उसमें पूरा फैक्ट पे बेसिस है और 100% ट्रूथ है। वो कोई कुछ भी मैं गेस नहीं किया हूँ, ऐसे इसको गेस ही बोलेंगे, लेकिन जो भी है वो फैक्ट पे मैं बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो में बात करूँगा कट ऑफ से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि उस वीडियो में मैं बताया था कि आपके रीजन का जो हवलदार का कट ऑफ है, सबसे जितना भी है फाइनल कट ऑफ, उससे 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एक भी बढ़ेंगे, दो भी बढ़ेंगे, तीन भी बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे। और उसमें बोला था कि जो मिनिमम कट ऑफ है हवलदार का, जैसे 85 गया था टीयर वन के रिजल्ट के बाद मिनिमम कट ऑफ, उससे आपका फाइनल कट ऑफ में 3 नंबर से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये भी बोला था मैंने, और इस वीडियो में उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हवलदार का कट ऑफ जो गया है, सबसे कम गया है चेन्नई रीजन का, जिसमें अनरिजर्व का 86 गया है और ओबीसी का 85.5 गया है। इसे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार भी 85 था, इस बार भी अभी उतना ही है। क्यों? क्योंकि जो प्रीफ्रेंस है, पहले एमटीएस वाले सब जितने भी कैंडिडेट से पहले एमटीएस डाले हैं, फिर हवलदार डाले, इसलिए एमटीएस के ज़्यादा चला गया और हवलदार का कम रह गया, अभी उतना ही रह गया है। और फाइनल में भी मैं बोला था कि हवलदार का कम रहेगा, भले टीयर वन में ज़्यादा गया है, लेकिन हवलदार का फाइनल में कम रहेगा। अभी उसका दिख भी रहा है, क्योंकि हवलदार का अभी 85.5 है ओबीसी का मिनिमम और अनरिजर्व का 86 है। आप लोग देख सकते हैं जाकर, इसको मैं स्क्रीन पर भी लगा सकता हूँ। और बात करें दोस्तों कि एमटीएस का कितना गया है, तो एमटीएस का आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का सबसे कम गया है, जिसमें ओबीसी का 86.9 है और अनरिजर्व का 87.1 है। तो इसमें भी 2 से 3 नंबर के इंक्रीमेंट होगा फाइनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं पूरा फैक्ट पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार आप लोग जैसे देखे थे 2020 का जो रिजल्ट आया था, एमटीएस 2020 डीवी का जब रिजल्ट आया था, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि 3,887 वैकेंसी थी एमटीएस का, उसमें हवलदार का नहीं था। और डीबी के लिए कितना लोगों को बुलाया गया था, 9,754 लगभग लोगों को बुलाया गया था। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.6 टाइम्स लोगों को बुलाया गया था उस समय डीबी के लिए। और फाइनल जब आया तो आप लोगों को पता होगा कि 3.5 से 4 नंबर के बीच में बढ़ा था, कर्नाटक का सबसे मिनिमम था उस समय, और 3.5 नंबर बढ़ी। और इस बार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 7,800 कुछ वैकेंसी, 7,800 के करीब वैकेंसी है। और अभी तो ऐसे आप काउंट करेंगे कि 14,000 एमटीएस और 12,000 हवलदार, तो 26,000 हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसे नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक ही कैंडिडेट दो बार काउंट हो गए हैं, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं 2 बार काउंट हो गया हूँ, एमटीएस में भी है, हवलदार में भी है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख लिए कि हवलदार और एमटीएस के कटअप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक भी रीजन का कोई अगर पूरा स्टेट चॉइस मतलब चूज किया है और एक भी रीजन का कोई कटअप पार किया है, मिनिमम वाला भी, दोनों एमटीएस का भी हवलदार का भी, तो वो दोनों 2 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हो गया है। तो अगर देखें, अगर हम ध्यान से, तो 26,000 कैंडिडेट्स नहीं, यूनिक कैंडिडेट्स लगभग 15 से 16 हज़ार हैं, 15 से 16 हज़ार। मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7,800 वैकेंसी है और 16,000, मान के चले 16,000 भी हो यूनिक कैंडिडेट्स, तो मतलब ऑलमोस्ट में 2 टाइम्स कैंडिडेट्स डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। और 2.2 टाइम्स मतलब फाइनल में जाने के लिए आपको 3 नंबर भी अगर ज़्यादा हो, अगर अभी के कटअप से, तो आप फाइनल के लिए एलिजिबल है। ये आप लोग विश्वास करिए या ना करिए, लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों। मैं फैक्ट पे आधारित बातें बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उस समय 2020 के एमटीएस में आप लोग जो डीबी के लिए जो आया था, उसमें 2.5 टाइम्स थे और फाइनल में 3.5 नंबर बढ़ा था कर्नाटक रीजन का। और इस बार जो है 2 टाइम्स ऑलमोस्ट में यूनिक कैंडिडेट्स, तो फाइनल में समझ लीजिए 3 से 2.5 नंबर बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे कि 85.5 है, अनरिजर्व का 86 है,
चेन्नई रीजन का हवलदार का, तो 88 से 89 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप एलिजिबल है फाइनल के लिए मेरिट में जाने के लिए। ओबीसी का भी इतना ही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। वो जो भी है ये फैक्ट पे आधारित है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एमटीएस का भी ऐसे ही 90 के अप्रोक्स में रहेगा, 90 के आसपास में रहेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सेविंग कर लिया हूँ, थोड़ा थोड़ा आए थे दाढ़ी और बियर्ड जो भी है, तो मैं शेविंग कर लिया क्योंकि मेरा कल रिजल्ट आ गया एमटीएस टीयर 2 का, मैं वेट कर रहा था इसी का। और मैं थोड़ा सोचा था कि यूएफएम कहीं ना लगे, यूएफएम नहीं लगा, और तो भगवान से मैं प्रे किया था कि अगर मतलब यूएफएम ना लगे तो मैं ये करूँगा। लेकिन ये भी है थोड़ा, मैं वो स्पिरिचुअल बातों में विश्वास करता हूँ, इसलिए थोड़ा ये करता हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरा रिजल्ट हो गया है, मैं अपना स्क्रीन पर लगा दूंगा रिजल्ट। और अभी आप लोगों का हो गया तो बहुत बहुत बधाई है, जिनका नहीं हुआ है कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सीजीएल हुआ होगा उसमें लग जाएगा पूरा जी जान से, ज़्यादा दिन नहीं है सीजीएल में, लगभग 18 से 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बी कॉन्फिडेंट एंड बी कॉन्सेंट्रेट टू योर गोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।